नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, चाहे किसी राज्य में सीएम का चयन हो या फिर पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी हो। इन सब में पार्टी आलाकमान ने कई बार मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्ष को पटखनी दी है। एक बार फिर बीजेपी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है और ऐसे पद के लिए मास्टर स्ट्रोक मारने वाली है कि सबकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब लंबे समय से रहस्य बना हुआ है, वजह भी वाजिब है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी तो नड्डा केंद्रीय मंत्री बन गए। इसके बाद तो अटकलें तेज हो गईं कि उनकी जगह जल्द ही किसी नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम नाम चर्चा में आए भी हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अलवर आए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ बनी रही। इसके बाद राजस्थान में ये भी अटकलें लग रही हैं कि वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे के अलावा संघ की तरफ से संजय जोशी का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए रखा गया था। इन सब के अलावा ये भी चर्चा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे करके मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि संघ भी वसुंधरा राजे के नाम को सबसे बेहतर मान रही है। अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है, लेकिन वसुंधरा राजे को सोशल मीडिया पर अभी से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अग्रिम बधाइयां मिलने लगी हैं। वसुंधरा राजे क्यों है रेस में सबसे आगे? बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वसुंधरा राजे का नाम यूं ही सबसे आगे नहीं है। दरअसल वसुंधरा आरएसएस के करीबी बताई जाती हैं। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे का नाम आरएसएस ने ही आगे किया है। इसके अलावा आरएसएस ने जो दूसरा नाम आगे किया है वो संजय जोशी का है, लेकिन इस नाम पर पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी के कुछ दूसरे सीनियर नेता सहमत नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और संजय जोशी के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। इसके बीच रिश्तों में खटास कितनी रही है इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि साल 2012 में यूपी के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए प्रचार करने नहीं गए थे क्योंकि वहां के संयोजक संजय जोशी थे। ऐसे में वसुंधरा ही फ्रंट रनर दिख रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अलवर में मोहन भागवत और वसुंधरा की मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई जा सकती है। दरअसल पिछले साल विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद भी उम्मीदों के विपरीत जाकर वसुंधरा के बजाय भाजपा ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। ये माना गया कि वसुंधरा को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को दरकिनार कर पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। इसके बाद शिवराज तो केंद्र में आ गए, केंद्रीय कृषि मंत्री भी बन गए। वसुंधरा का अब तक पुनर्वास नहीं हुआ। कहां आ सकती है अड़चन? एक्सपर्ट के मुताबिक बेशक वसुंधरा राजे का नाम आरएसएस ने आगे किया है और वो उनके अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त मान रही हैं, लेकिन वसुंधरा की सबसे बड़ी अड़चन उनका पीएम मोदी और अमित शाह से अनबन है और इस वजह से खेल बिगड़ भी सकता है। वसुंधरा राजे के इन दोनों से कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद वसुंधरा का नाम सीएम रेस में सबसे आगे था, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया। यही नहीं, पार्टी की जीत का क्रेडिट जब पीएम मोदी को दिया जाने लगा तो वसुंधरा राजे ने कहा कि जीत में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। साल 2018 में भी अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच टकराहट की बात सामने आई थी। तब चर्चा थी कि भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में भाजपा का मुखिया बनाना चाहते हैं, लेकिन वसुंधरा ने मोर्चा खोल दिया था जिस वजह से अमित शाह कुछ नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि जब वसुंधरा राजे की शाह और मोदी से नहीं बनती है तो आरएसएस ने उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए क्यों आगे किया है? इसका साफ मतलब है कि आरएसएस पावर बैलेंस करना चाहती है। मोदी शाह की जोड़ी प्रभावी रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान भी खूब वायरल रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। ऐसे में आरएसएस की ओर से वसुंधरा के नाम का प्रस्ताव देना दिखता है कि पार्टी पर संघ अपना पकड़ फिर मजबूत करना चाहती है। आरएसएस चाहती है कि अगला अध्यक्ष ऐसा हो जो सिर्फ मोदी शाह के इशारे पर काम ना करे।
इस सांचे में वसुंधरा राजे एकदम ठीक फिट बैठती हैं। वहीं एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जैसे बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाकर उनको एडजस्ट करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही पार्टी वसुंधरा को अध्यक्ष बनाकर उनकी नाराजगी को दूर कर सकती है। वसुंधरा राजे कई मंचों से इशारों में आलाकमान से नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। ऐसे में उनको अध्यक्ष बनाकर पार्टी बड़े नेताओं को केंद्र में एडजस्ट करने के फॉर्मूले को अमली जामा पहना सकती है, ताकि राज्यों में नई पीढ़ी की कार्यकर्ताओं को नेता बनाया जा सके। इस बयान से भी मिल रहा संकेत। हाल ही में जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में मदन राठौर ने भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। वसुंधरा राजे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति इसी दौर से गुजरता है। ऐसे हर व्यक्ति को तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, पद, मद और कद। इन पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। पद और मद स्थाई नहीं है, तीनों सिर्फ एक चीज स्थाई है और वो है कद। जो अच्छा काम करते हैं लोग आपको याद रखते हैं और कद हमेशा बना रहता है। उन्होंने कहा कि पद का मद होने से कद भी कम हो जाता है। आज के तौर पर ऐसा होता रहता है। हालांकि ये बातें उन्होंने राजस्थान के नए बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर के लिए कही, लेकिन इसे इशारा दूर तक का मिल रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा को 2020 में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। संभव है कि जल्द ही किसी और को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े समेत कुछ अन्य नेता शामिल हैं। क्या कहता है पार्टी का संविधान? भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। कोई भी व्यक्ति 3-3 साल के 2 कार्यकाल तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है। इसके अलावा कम से कम 50% राज्यों में संगठन का चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस समय राज्यों में भी संगठन चुनाव होने हैं। ऐसे में संभव है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के बाद ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पहली महिला अध्यक्ष बनेगी वसुंधरा। आपको बता दें कि भाजपा का गठन 1980 में हुआ। तब से अब तक अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और अमित शाह से लेकर नड्डा तक 11 नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। अब तक पार्टी की बागडोर एक बार भी किसी महिला के हाथ में नहीं रही है। इस वजह से अटकलें लग रही हैं कि संभव है कि पार्टी पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपे। राजे को मिलने लगी सोशल मीडिया पर अग्रिम बधाइयां। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की अग्रिम बधाइयां भी वसुंधरा राजे को सोशल मीडिया पर मिलने लगी हैं। वसुंधरा राजे के अलावा संघ की तरफ से संजय जोशी का नाम रखा गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे किया गया है, लेकिन संघ सिर्फ वसुंधरा राजे के नाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त नाम मान रहा है। पार्टी की ओर से फैसला क्या होगा, खैर अभी ये देखने वाली बात है। इसी के साथ आपको बता दें कि वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साल 2003 से 2008 तक और साल 2013 से 2018 तक वो राजस्थान की सीएम रही। केंद्र में भी वसुंधरा राजे ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। फिलहाल वो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर है। ऐसे में अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वसुंधरा राजे का यहाँ पर प्रमोशन होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से वो अध्यक्ष बनेगी। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही। झालवाड़ा जिले के झालारा पटन विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित होती आ रही हैं। साल 2023 में भी वो विधायक निर्वाचित हुई हैं। वसुंधरा राजे 5 बार लोकसभा सांसद बन चुकी हैं। 1985 से वो सक्रिय राजनीति में हैं। बता दें कि 8 मार्च 1993 का वसुंधरा राजे का जन्म था। वो राजमाता विजया राजा सिंधिया की वो बेटी हैं। उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ा 12 लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। तो अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ
बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।